हेलो हाय एवरीवन, शाम के 6:30 बज रहे हैं। आज हम बनाएंगे पकौड़ी। माय गॉड, मौसम भी आज बहुत तगड़ा हो रहा है, बारिश लग रही है बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं गांव में हो रही है आज बहुत ही भारी बारिश। बारिश का मौसम में थोड़ा ठंडा भी हो रखा है, तो आज सोचा क्यों ना आलू की पकौड़ी बनाई जाए। तो आज हम बनाएंगे पकौड़ी। ये एक है जो डांस कर रही है अभी यहाँ। गाँव का मौसम देख सकते हैं आप, कितना अच्छा हो रहा है। फ्रेंड्स चलते हैं रसोई की तरफ, आलू काटते हैं सबसे पहले। फ्रेंड्स हम लेके आ गए हैं आलू, और ये रहे आलू। और आलू हमने साफ कर दिए हैं पानी से, साफ धो दिए हैं। अभी हम सबसे पहले आलू काटेंगे। फ्रेंड्स आलू कटके हो गए हमारे तैयार, आलू हमने काट दिए हैं। अब तो ये मेरा छोटा भाई और ये लकड़ी लेके आ गया आग जलाने के लिए। अभी हम जलाएंगे आग। ये चूल्हा है दोस्तों, इसके ऊपर हमने कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में डाल रखा है तेल। ये चूल्हे में आग जलाने के लिए फूंक मार रहा है। आज हम दोनों भाई बनाएंगे पकौड़ी। आलू हमने पहले ही काट दिए हैं, और ये रहा गरम मसाला, ये नमक और ये बेसन। और एक बर्तन लेना है, हमने बहुत बड़ा सा बर्तन ले रखा है। सबसे पहले लेंगे हम बेसन इसमें। इसके बाद हमने इसमें आलू डाल दिया है। ये डाल दिया हमने इसमें नमक, ये डाल दिया हमने इसमें मसाला, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मसाला हो गया है तैयार। गरम गरम पकौड़े हम पके तल गए, खाने वालों की तरस रहा हूँ। अभी दोनों भाई बना रहे हैं पकौड़ी।
तो फाइनली हमारी पकौड़ी बनके तैयार हो चुकी है। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, हल्का सा चाट मसाला डालेंगे। पकौड़ी के साथ हल्की सी सॉस, और पकौड़ी के साथ मिल लेंगे हम एक गिलास चाय। और सबसे पहले खिलाएंगे हम माता जी को यहाँ पे। सबसे पहले हम अपनी माता जी को खिलाएंगे। कैसे बन रखी माता जी? बढ़िया बनी। बढ़िया बनी। बढ़िया।